दोस्तों अभी हाल ही में हार्दिक पांडे का डिवोर्स का केस पूरी दुनिया में वायरल हुआ था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी बड़ी संख्या में मीम्स भी वायरल हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा वायरल मीम्स डिवोर्स एक बिजनेस है इस बात पर बने थे, क्योंकि खबर ये थी कि डिवोर्स में हार्दिक पांडे को अपनी वाइफ नताशा को एलिमनी के तौर पर 70% प्रॉपर्टी देनी होगी। आज की तारीख में देखें तो पांडे की टोटल नेटवर्थ करीब 94 करोड़ है, और अगर नताशा को एलिमनी देना पड़ता तो इनको बिना कुछ किए 65 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडे का केस आया हुआ है, पूरी दुनिया में डिवोर्स एक बिजनेस मान लिया गया है, बल्कि इससे पहले भी काफी केस ऐसे हो चुके हैं, जैसे शिखर धवन के केस में भी कुछ ऐसा हुआ था। ऐसे ही ऋतिक रोशन और सुजैन खान के केस में ऋतिक रोशन को एलिमनी के तौर पर सुजैन को 380 करोड़ रुपए देने पड़े थे। आमिर खान ने भी अपनी पहली पत्नी रीना को उस समय 50 करोड़ की एलिमनी दी थी। फरहान ने भी अपनी वाइफ को एलिमनी के तौर पर मुंबई के पॉश इलाके यानी कि बैंड स्टैंड में 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला एलिमनी में इन्हें देना पड़ा था, जो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिल्म सितारों और क्रिकेट स्टार्स के साथ ही होता है, बल्कि बिजनेस टाइकून भी इससे बच नहीं पाए हैं। रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया ने भी अपनी 36 साल की शादी के बाद पत्नी को एलिमनी के तौर पर 11,000 करोड़ रुपए देने पड़े थे। तो आखिर क्यों डिवोर्स में इतनी भारी भरकम रकम दी जाती है? अब सवाल ये आता है कि वर्किंग वाइफ होने के बावजूद भी सिर्फ हस्बैंड को ही एलिमनी या फिर मेंटेनेंस के नाम पर इतनी भारी भरकम रकम देनी पड़ रही है? इस सवाल का जवाब है हमारे कानून में मौजूद लूपहोल्स। हमारे देश में एलिमनी लॉज पूरी तरह से वुमेन्स के पक्ष में ही काम करते हैं, जिसका फायदा उठाकर आज झूठे उल्टे सीधे आरोप लगाकर डिवोर्स लिया जाता है, और डिवोर्स के बाद एलिमनी के तौर पर भारी भरकम रकम वसूल कर ली जाती है। कैसे एलिमनी का एक खेल बिजनेस की तरह काम कर रहा है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं शिखर धवन के केस से। शिखर धवन ने आयशा के साथ 30 अक्टूबर 2012 में शादी की, और करीब 2 साल के बाद उन्हें एक बेटा हुआ। उस समय आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी, और बच्चे के पैदा होने के बाद आयशा ने शिखर से वादा किया था कि वह जल्द ही भारत शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपनी 8 साल की शादी में शिखर धवन अपनी पत्नी के साथ मुश्किल से 1 साल भी नहीं रहे। साल 2021 में आयशा ने सोशल मीडिया में डिवोर्स अनाउंस किया। असली खेल तो अब शुरू हुआ। उस समय शिखर धवन के पास ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टी थी। डिवोर्स के नाम पर आयशा ने शिखर से 3 प्रॉपर्टी और 13 करोड़ रुपए की एलिमनी मांग ली। है ना मजेदार बैठे बिठाए अरबपति बनने का तरीका। लेकिन आयशा यही नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने बीसीसीआई और शिखर धवन के दोस्तों को मेल किया और कहा कि वो अपने पहले हस्बैंड की बेटी के बॉयफ्रेंड से पैसे लेकर घर चला रही हैं, क्योंकि शिखर उसे पैसे नहीं देता। इसके अलावा आयशा ने शिखर से 8.5 लाख रुपए हर महीने का खर्चा भी मांगा। शिखर ने ये पैसे देने भी शुरू कर दिए थे। इसके बाद आयशा ने शिखर से अपने कुत्तों की ट्रेनिंग, अपने पूर्व पति के बच्चों की परवरिश का खर्चा और अपने इंटरनेशनल ट्रिप का खर्चा भी मांगने की कोशिश की थी। शिखर सब कुछ देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन फिर भी उन्हें उनके बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा था। मेंटली बहुत ज्यादा परेशान होकर शिखर ने दिल्ली की फैमिली कोर्ट में आयशा के खिलाफ एक क्रॉस केस फाइल किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की एलिमनी देने से मना कर दिया। लेकिन शिखर का बेटा जोरावर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, इसलिए वहां पर इंडियन कोर्ट के डिसीजन लागू नहीं होते, इसलिए उन्हें अपने बेटे से दूर ही रहना पड़ा। आयशा ने हिंदू मैरिज एक्ट के अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 8 का फायदा उठाया, जिसमें लिखा है कि पत्नी चाहे साथ रहे या नहीं रहे, लेकिन पति को उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसे में इंटरनेशनल मुक्केबाज आयशा ने अच्छी खासी अर्निंग होने के बावजूद भी शिखर से इतनी बड़ी एलिमनी मांगी। इसके अलावा पत्नियां डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी मिस यूज करके अच्छी खासी एलिमनी वसूलने की कोशिश करती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मोहम्मद शमी और हसीन जहां के तलाक का केस। हसीन जहां ने साल 2018 में मोहम्मद शमी और उसके घर वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया। इसके अलावा उसने शमी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैच फिक्सिंग जैसे आरोप भी लगाए, जिसके कारण मैच खेलने जा रहे शमी का वीजा ही कैंसिल हो गया। ये सब आरोप लगाने के बाद हसीन जहां ने शमी से 10 लाख रुपए हर महीने की एल्युमिनी का डिमांड रखी। शमी को अब 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट से न्याय मिला। कोर्ट ने कहा कि शमी को एल्युमिनी में 10 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे 1,30,000 रुपए ही देना चाहिए।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि शमी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मैच फिक्सिंग जैसे जितने भी आरोप लगे हैं वे सब गलत है। इस केस में हसीन ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का खुले में मिस यूज किया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में कहा गया है कि यदि पति अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात भी कर ले तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस ही माना जाएगा। इस बेस पर वाइफ केस फाइल कर सकती हैं। इस केस में हस्बैंड को ही प्रूव करना होगा कि उसने कोई वायलेंस नहीं किया है। ऐसे ही आईपीसी सेक्शन 498A में डाउरी के तहत लड़की, लड़के और उनकी फैमिली पर केस कर सकती हैं, जिनमें उनकी पूरी फैमिली को जेल में जाना पड़ेगा। जेल जाने के बाद लड़के और लड़के की फैमिली को ये प्रूव करना होगा कि उसने कोई डाउरी नहीं ली है। कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि लड़की डिवोर्स होने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस के तहत फिर से केस फाइल कर सकती हैं, ताकि भारी भरकम पैसा वसूल किया जा सके। ऑफिशियल डेटा की माने तो इन दोनों एक्ट्स के अंडर इंडिया में फाइल होने वाले 85% केस फेक होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये कानून बेकार है या फिर इन्हें कचरे में फेंक देना चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन कानून का मिस यूज करके कितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है उस इंसान के साथ जिसने जिंदगी भर मेहनत करके कमाई और उसकी कमाई का 70% हिस्सा एक ही झटके में उससे ले लिया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।